इस बीच सबसे बड़ी खबर इसराइल से आ रही है। इसराइल ने कहा है कि हिजबुल्ला ने पांचवीं बार एंटी टैंक मिसाइल से बड़ा हमला किया है। गाजा पर चल रहे इसराइल की बमबारी के बीच अचानक युद्ध का एपिसेंटर लेबनान की तरफ मुड़ चुका है। अगले 24 घंटे में हालात इतने खतरनाक होने जा रहे हैं कि अमेरिका से लेकर रूस तक इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हिजबुल्ला ने अब ऐसे हमले करने शुरू कर दिए हैं जिसका ऑर्डर सीधा तेहरान से आ रहा है। अक्टूबर 2023, हिजबुल्ला एक के बाद एक कई मिसाइल फायर करता है। पहला हमला टावर उड़ गया, दूसरा हमला रेडार तबाह हो गया। तीसरा हमला एक और अड्डा तहस नहस हो गया। ये जगह है लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर शीबा फार्म्स का इलाका, दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक। और यहां बने हैं इजराइल के 5 बहुत ही खतरनाक अड्डे, अड्डा नंबर 1, अड्डा नंबर 2, अड्डा नंबर 3, अड्डा नंबर 4, अड्डा नंबर 5। ये जगह गोलान की पहाड़ियों के उत्तर में है और यहां पहाड़ों की ऊंचाई 1500 मीटर तक है। नीचे लेबनान का इलाका और यहीं से अटैक लॉन्च किया गया। इस ग्राफिक से समझ सकते हैं इस इलाके की टोपोग्राफी, कौन कहां मौजूद है, कौन सा इलाका किसके पास है। अब यहां क्या हुआ, बहुत गौर से देखिएगा। यहां लेबनान के इलाके में हिजबुल्ला का पूरा कंट्रोल है और उसने निकाली 3 बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्ला के पास बहुत बड़ा जखीरा है। हिजबुल्ला ने 3 तरह के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें इस्तेमाल की। ये है कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन देहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्ला के पास है। दूसरी है BGM-71-2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। यह अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और इसने हिजबुल्ला को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉनकोर्स, रेंज 4 किलोमीटर, ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जा रही है। तीनों मिसाइल बहुत ही घातक हैं और जिस तरह से इन्होंने इजराइल के अड्डे उड़ाए हैं उससे ये बात साबित हो जाती है। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने ये हमला लेबनान में इजराइल के हमले के जवाब में किया। इजराइल के हमले में एक पत्रकार की मौत हुई है जबकि कई घायल हुए हैं। इजराइल पर हमले का आरोप लगा है जिसके बाद अब लेबनान में बहुत ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। इजराइल के खिलाफ बेरूत में लगातार प्रदर्शन जारी है और इन सब को देखते हुए अब हिजबुल्ला ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। सबसे पहले इजराइल का अड्डा नंबर 1 शतुला इलाके में बने इस अड्डे पर हिजबुल्ला ने किया पहला हमला। हिजबुल्ला ने कॉर्नेट मिसाइल से अटैक किया जो सीधा जाकर इजराइल का एक टावर उड़ा देती है। हिजबुल्ला की ये रेंज देखकर इजराइल के कैंप में खलबली सी मच गई क्योंकि निशाना भी बिल्कुल सटीक लगा और टावर पूरी तरह से तबाह हो गया। इसके बाद टारगेट बना इजराइल का अड्डा नंबर 2, ये भी शतुला इलाके में है और यहाँ हिजबुल्ला ने किया दूसरा हमला। इस बार हिजबुल्ला ने BGM-71-2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया। अमेरिका में बनी यह मिसाइल इतनी सटीक है कि इसने ठीक रेडार स्टेशन को तबाह किया।
ऐसा निशाना देखकर कोई भी दुश्मन डर जाएगा। इसके बाद टारगेट बना इसराइल का अड्डा नंबर 3। ये भी शतुला इलाके के करीब है और यहाँ हिजबुल्ला ने किया तीसरा हमला। इस बार हिजबुल्ला ने कॉन्कोर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर की। रूस की ये वायर गाइडेड मिसाइल भी इसराइल के एक ठिकाने को खत्म कर देती है। इसके बाद चौथे और पांचवें अड्डे पर भी हिजबुल्ला अपनी बाकी मिसाइलों और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है और उनका भी वही हश्र होता है जो बाकी अड्डों का हुआ है। हिजबुल्ला का दावा है कि इन हमलों में इसराइल को भारी नुकसान हुआ है और उसके कई सैनिक भी मारे गए हैं। צה"ל הגיב בירי והשמיד עמדות חיזבאללה ואת מקור האש. כמו כן, בוצע ירי למוצב צבאי, אין נפגעים, גם שם צה"ל הגיב באש לעבר מקורות הירי. समझ लीजिए कि इस वक्त इसराइल और लेबनन के बॉर्डर पर आग लगी हुई है और ये सब कब युद्ध को 10 गुना भड़का सकते हैं, इसके बारे में दुनिया में सिर्फ 4 लोग जानते हैं। पहले हैं इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू, दूसरे हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, तीसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और चौथे हैं यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबको हिला देने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव ईरान है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला हिया ने कहा है कि अगर इसराइल ने गाजा पर बमबारी नहीं रोकी तो हिजबुल्ला ने ऐसी तैयारी की हुई है कि इसराइल में जलजला आ जाएगा। در اسرائیل علیه شهروندان و غیر نظامیان در غزه فوراً متوقف شود. ईरान के विदेश मंत्री ने 48 घंटे में वो कर दिखाया है जिसका तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक खौफ फैला हुआ है। इसराइल को लेकर ईरान की वॉर डिप्लोमेसी इस वक्त युद्ध के कई फ्रंट खोल चुकी है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की बातचीत के बाद और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, युद्ध में भारतीय मूल की 2 महिलाओं की मौत की खबर सामने आ रही है। इसराइल की सेना की 2 महिलाओं की मौत हुई है और भारतीय मूल की महिलाएं ये बताई जा रही हैं। युद्ध में भारतीय मूल की 2 महिलाओं की मौत की खबर, इसराइल की सेना की 2 महिला सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है।